गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। देर आर टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ इन दिस एक्सरसाइज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय एडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द बुक्स। यस, फर्स्ट, द बॉय fell into the water and wet his clothes. It's already done for you. Second, Dash are going to their new house. In this, which will come? The sons are going to their new houses. Third, I water my plants every day. I water my plants every day. The Rohan club won the cricket match on the weekend. Next, fifth, the foolish lion jumped into the well. Laurel has a friend called Hardy. The cat jumped on the mouse. The policeman caught the thief. The teacher wrote on the blackboard. An apple fell on Newton's head. Abraham Lincoln was a great man. Too many cooks spoil the broth. बहुत ज्यादा जो cooks हैं वो मिलकर कोई भी अच्छा खाना नहीं बना सकते, वो क्या करेंगे, spoil the broth, जो भी वो बनाने जा रहे हैं उसको खराब कर देते हैं। Next है match the exercise, F exercise, match the column to make sentences about animal homes। अब यहाँ जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स दिए हुए हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके होम से रिलेटेड जो है हमें ये बुक एक्सरसाइज इसको जो है मैच करना है। आपको यहाँ पे नंबर्स राइट करने हैं, जैसे एन एवरी में कौन रहता है, अवेर में जो है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। अवेर जो जहाँ पे ऐसा प्लेस जहाँ पे पिंजरे में बहुत सारे पिंजरे होते हैं और वहां पे उन पिंजरों में जो है बर्ड्स रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एवरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। अ काउ, काउ कहाँ पे रहती है, लाइव्स इन अ शेड। फिशेज कहाँ पे रहती है, आर कैप्ट इन एन एक्वेरियम। फोर्थ है अ लॉयन कहाँ पे रहता है, लिव्स इन अ डेन, वो अपनी गुफा में रहता है, लिव्स इन अ डेन। रैबिट इज कैप्ट इन अ हच, इज कैप्ट इन अ हच। अ हॉर्स इज कैप्ट इन अ स्टेबल, अ हॉर्स इज कैप्ट इन अ स्टेबल। स्टेबल जो अस्तबल होता है जिसके अंदर घोड़े को खड़ा करते हैं। अ डक, डक कहाँ पे रहती है, लिव्स इन अ लेक और अ पॉन्ड, अ डक लिव्स इन अ लेक और पॉन्ड। मंकीज कहाँ पे रहते हैं, यस, लाइव ऑन ट्रीज, ट्रीज पे, पेड़ों पे रहते हैं। नेक्स्ट आपका बुक एक्सरसाइज है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस।
रिमेम्बर टू पुट इन कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। जब आप कोई भी क्वेश्चंस जो है इसमें कोई भी जो है सेंटेंस में करते हो और वो क्वेश्चन जो है सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में हमें जो है क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना होता है। जैसे क्वेश्चन बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर डिड द गर्ल गो, वह जो लड़की है वो कहाँ जा रही है। व्हाट डज योर मदर डू, तो पीछे जो है इसमें साइन क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप नहीं यूज होता, इसमें क्वेश्चन मार्क यूज होता है। अब फर्स्ट जो है ये आप अरेंज करना है इसमें, जैसे नेम योर व्हाट इज, तो सबसे पहले क्या आएगा व्हाट इज योर नेम। आर ओल्ड यू हाउ, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। स्कूल गो टू यू विच डू, विच स्कूल डू यू गो, विच स्कूल डू यू गो। लाइव डू वे हर यू, आप जो है इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले जैसे डब्ल्यू एच जो वर्ड जहां भी इसमें दिया हुआ है वो सबसे पहले लेके आएंगे। वेहर डू यू लिव, वेहर डू यू लिव। फादर डज यूअर व्हाट डू, तो यहाँ क्या आ जाएगा व्हाट डज यूअर फादर डू, व्हाट डज यूअर फादर डू। मदर डज यूअर व्हाट डू, मदर सॉरी व्हाट डज यूअर मदर डू, व्हाट डज यूअर मदर डू। हाउ स्कूल यू गो टू गो डू, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्या करने जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। स्कूल वैन कम यू डू बैक फ्रॉम, स्कूल वैन कम यू डू बैक फ्रॉम। When do you come from school? When do you come from school? Next, now answer these questions on page number 9. जो आपके अभी आपने questions जो है हमने frame किए थे उसके जो है जो जो questions पूछे गए थे, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तो इसमें 8 क्वेश्चंस हैं और इस 8 क्वेश्चंस के यहाँ आपको आंसर्स राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नेम लिखोगे माय नेम इज डैश डैश, आपका जो भी नेम है आप अपना नेम राइट करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या पूछा गया, How old you are? How old you are? I am 10 years old. I am 10 या 11, आप जितने भी years के हो आप अपना जो है इसमें year लिखेंगे, I am 10 years old. Third है आपका question इसमें जो पूछा गया है Which school do you read? आप कौन से school में पढ़ते हो? I read in Om International Public School. I read in Om International Public School. Next है where do you live? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? I live in dash dash में आप जहाँ आप proper आपका address है permanent जहाँ आप रहते हो वहाँ जो है उसका name write करोगे यहाँ पे। Next है आपका What does your father do? आपके फादर क्या करते हैं? तो आप यहाँ पे लिखोगे My father is a businessman. My father is a teacher. My father is a means आपके फादर जो भी वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पे राइट करना है। स्टार्ट कैसे करोगे? My father is a dash. आगे जो भी हैं जैसे businessman है या teacher है सर्विस मैन है कुछ भी आप इसमें आप जो भी हैं वो यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट है माय व्हाट डज योर मदर डू, तो माय मदर इज अ
माय मदर इज और आप जो है अगर टीचर है तो टीचर राइट करोगे, और अगर किसी और भी किसी भी जॉब में है तो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है आप जो है हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। आई गो टू स्कूल बाय मतलब कि जैसे कि पास में ही स्कूल है तो आप पैदल जा सकते हो, और अगर मतलब डिस्टेंस है काफी तो फिर आप स्कूल वैन में जाते हो या फिर आपके पापा छोड़ने जाते हैं तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हेन डू यू कम फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से वापस कब आते हो, तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं आई कम बैक एट 2 o'clock फ्रॉम स्कूल, आई कम बैक एट 2 o'clock फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट है ओके बेटा थैंक यू डू बुक एक्सरसाइज जी सॉरी ई एफ जी एंड एच विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड आफ्टर डूइंग दिस यू विल सेंड पिक टू मी आई विल चेक इट। थैंक यू बेटा ओके।